हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मेरे पास बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है कि यार हमको विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड करना बताओ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास विंडोज 11 के कंपेटेबल कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप है और अगर आप विंडोज 10 ओरिजिनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे कैसे बिना डेटा गवाए बिना फॉर्मेट के सिस्टम को 11 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने जिस मेथड का इस्तेमाल किया है वो 100% लीगल है, जेन्युइन है, हमने किसी भी तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। और सबसे खास बात क्या रहेगी दोस्तों, जो हमारे विंडोज 10 के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल थी वो विंडोज 11 में भी हमें एज इट इज इंस्टॉल मिलेगी, साथ में जो हमारा डेटा था वो डेटा हमें एज इट इज वापस मिल जाएगा और जो विंडोज 11 के अपडेट्स हैं वो भी हमें रेगुलर मिलते रहेंगे क्योंकि हमारी विंडोज जेन्युइन अपडेट रहेगी, डिजिटली लाइसेंस के साथ में एक्टिवेटेड रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखने वाली दो तीन बातें। सबसे पहली तो चीज़ ये कि अगर आपके पास इंटेल का 8th जनरेशन या उससे ऊपर का कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो वो विंडोज 11 के लिए कैपेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे नीचे का कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपके पास राइजन प्रोसेसर है तो 2nd जनरेशन के राइजन प्रोसेसर या उससे ऊपर की कोई भी सीरीज का कोई प्रोसेसर है अगर आपके पास तो वो विंडोज 11 के लिए कैपेबल है। अब यहाँ पर छोटी मोटी दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। आपको तो पता ही है कि विंडोज 11 के लिए कम से कम 8th जनरेशन का प्रोसेसर या उससे ऊपर का चाहिए, 4GB कम से कम रैम होनी चाहिए और साथ में TPM 2.0 और सिक्योर बूट अनेबल होना चाहिए। अगर आपने कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप अभी परचेस किया है रिसेंटली तो उनके अंदर वो सारी कंपैटिबिलिटी है। तो अब बात आती है कि आखिर आप किस तरह से उसे विंडोज 11 के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों मेन प्रॉब्लम होती है कि आपका कंप्यूटर कैपेबल तो है लेकिन जब आप उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है उससे, तब वहां पर आपको एरर दिखा देता है, या तो TPM की एरर दिखाएगा या फिर आपको सिक्योर बूट की एरर दिखाता है। तो सबसे पहले आपको उसे दूर करना होगा। विंडोज 11 के प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले दो तीन चीजें हैं जो आपको आपके विंडोज 10 वाले सिस्टम के अंदर चेक करनी है। सबसे पहली तो चीज ये कि आपको सी ड्राइव चेक करना होगा। सी ड्राइव कम से कम आपका 65GB या उससे ऊपर का होना चाहिए और दूसरी चीज इसके अंदर कम से कम 20GB का फ्री स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये श्योर कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपका जो सिस्टम है वो डिजिटली लाइसेंस होना चाहिए। आप यहाँ पे एक्टिवेशन टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज नजर आएगा, एक्टिवेशन में विंडोज इज एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस। और तीसरी चीज, आप जो विंडोज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 21H1 रिलीज कम से कम होना चाहिए या फिर जिस भी वक्त आप अपडेट कर रहे हैं वो उस वक्त का अपडेटेड विंडोज 10 का वर्जन होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये श्योरिटी करने के बाद आपको करना होगा विंडोज 11 के लिए कंपैटिबिलिटी चेक, ठीक है। तो अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर जो कंपैटिबिलिटी टूल है दोस्तों ये हटा दिया गया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक आपको दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर जल्दी इसे दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये टूल को आपको डाउनलोड करके आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे रन करना होगा। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं चेक नाउ बटन पे क्लिक करके, और देखिए अब यहाँ पर आपको TPM 2.0 की एरर दिखा रहा है। तो अब आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो यहाँ पर मैं 11th जनरेशन के i5 प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रैम भी 4GB है, तो इसका मतलब मेरा जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल 100% कैपेबल है विंडोज 11 के लिए। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर ये जो एरर है ये दिखा दी है। अब देखिए दोस्तों एरर चाहे TPM की हो या फिर सिक्योर बूट की हो, ये दोनों ही टाइप की एरर्स कंप्यूटर के मदरबोर्ड से रिलेटेड है, यानी कि आपको कंप्यूटर के अंदर जो फर्मवेयर होती है उसके अंदर एंटर होना होगा और कुछ चेंजेस करने होंगे। अब अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग हॉटकीज डिफाइन करते हैं बायोस में एंटर होने के लिए, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आप अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर किस तरह से बायोस में या फिर UEFI में एंटर हो सकते हैं, तो उसके लिए आप आई कार्ड पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक आपको दे दिया है। अब देखिए दोस्तों जैसे आप अपने कंप्यूटर का फर्मवेयर ओपन करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो नजर आता है। अब हो सकता है कि आपके केस के अंदर कुछ अलग से आपको नजर आए फर्मवेयर, क्योंकि अलग अलग मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनीज अलग अलग फर्मवेयर डिजाइन करती है, और हो सकता है कि जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे ना मिले, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, तो ठीक है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं हमारी इसकी एडवांस सेटिंग के अंदर, और इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद मुझे आना होगा यहाँ पर सिक्योरिटी टैब में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम TPM वाली जो प्रॉब्लम है इसको दूर करते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रस्टेड कंप्यूटिंग ऑप्शन है इसे ऑन करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी डिवाइस सपोर्ट है जो ये यहाँ पर डिसेबल दिखा रहा है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसे अनेबल करना होगा, ठीक है। और इसके बाद वापस बैक आते हैं, और सेकेंड है सिक्योर बूट। अब जो सिक्योर बूट का ऑप्शन है यहाँ से आपको इसे ऑन करना है। अब देखिए यहाँ पर सिक्योर बूट जो है वो डिसेबल हो रखा है, तो
तो हमें इसे यहाँ से इसे अनेबल कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग आती है तो कोई बात नहीं है, आपको ऑन कर देना है। इसके बाद आपको F10 दबा करके इस सेटिंग्स जो भी आपने चेंज की है इसको सेव कर लेना है। तो चलिए हम एक बार दोबारा से हमारे PC का जो स्टेटस है वो देख लेते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेट न्यूज़, दिस PC मीट ऑल द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज 11। तो मुबारक हो, आपने अपने सिस्टम को विंडोज 11 के लिए कैपेबल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं विंडोज 11 के अपग्रेड वाले प्रोसेस की तरफ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो आपको लिंक दिया है वहां से आपको विंडोज 11 के ISO को डाउनलोड कर लेना है और सी ड्राइव के अलावा डी में या ई में जो भी आपके पास ड्राइव है उसके अंदर आपको कॉपी कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस जो ISO इमेज है इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप 7zip का, पावर आर्चीवर का, विनजिप का, किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी ISO यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब आपको क्या करना होगा, सिंपल है, फोल्डर को ओपन करना होगा और सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे रन करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज 11 इंस्टॉल होते समय ही जितने भी अपडेट्स हैं वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले तो आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप अपने नेटवर्क कार्ड को डिसेबल कर सकते हैं या फिर आप अपनी नेटवर्क केबल को अनप्लग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एयरप्लेन मोड ऑन कर देता हूँ ताकि जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो उस समय डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आई वॉन्ट टू मेक द इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज बेटर प्राइवेसी स्टेटमेंट, मैं यहाँ से इसे अनचेक कर देता हूं। ठीक है, अब चेंज हाउ टू विंडोज सेटअप डाउनलोड अपडेट्स। ठीक है, तो मैंने नेटवर्क बंद कर दिया है तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद सिंपल है, मुझे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। अब इसके बाद आपके सामने यहां पर जो है लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाता है, तो आपको इसे पूरा पढ़ लेना है। पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो आपकी मर्जी, उसके बाद एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। अब विंडोज 11 का सेटअप जो है वो आपके सिस्टम को चेक कर रहा है कि वो एलिजिबल है या नहीं है विंडोज 11 के लिए। जब तक ये यहाँ पर चेकिंग चल रही है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक ये फोल्डर रख रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक डेटा मान लीजिए आप इसे, ये आपका डेटा है, आप ये मान के चलिए। अब अपडेट कंप्लीट होने के बाद में ये डेटा मुझे डेस्कटॉप पर वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी प्रोसेस होगा ये विदाउट डेटा लॉस होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, रेडी टू इंस्टॉल। अब यहाँ पर इंस्टॉल विंडोज 11 प्रो। अब देखिए दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 होम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर ऑटोमेटिक होम सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप प्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर ऑटोमेटिक प्रोफेशनल एडिशन सिलेक्ट हो जाएगा, और कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स ये हमें टिक रहने देना है क्योंकि हम हमारे डेटा को लॉस नहीं होने देना चाहते। तो इसके बाद सिंपल है, आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद विंडोज 11 की नेसेसरी फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर कॉपी होने लग जाती है। अब ये ऊपर की तरफ आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विंडोज 10 दिखा रहा है इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अभी विंडोज 11 का जो है वो फाइनल रिलीज नहीं हुआ है अभी तक। विंडोज 11 का सिर्फ अभी तक हम देव रिलीज ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेक्निकल प्रीव्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये मेथड आप चाहे तो देव रिलीज पे इस्तेमाल कीजिए, बीटा रिलीज पे इस्तेमाल कीजिए, या फिर जब विंडोज 11 फाइनली रिलीज हो जाएगी, अगर आप तब ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप फाइनल रिलीज वाली ISO से भी इसी मेथड को इस्तेमाल करके विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। रीस्टार्ट होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि विंडोज 11 का लोगो हमें नजर आ रहा है, और इसके बाद यहां पर अब हार्डवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर चालू हो गया है। और दोस्तों इस अपग्रेड प्रोसेस के अंदर आपका सिस्टम 3 या 4 बार या उससे भी ज़्यादा बार रीस्टार्ट हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस प्रोसेस के लिए SSD रिकमेंडेड है। अगर आपके कंप्यूटर में लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर SSD है तो ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो दोस्तों मुबारक हो, सक्सेसफुली विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने अपडेट कर लिया है, और आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो मेरा फोल्डर था विंडोज 11 वाला वो भी मुझे SSD वापस मिल गया है। मैं आपको मेरे सिस्टम की डी ड्राइव दिखाता हूँ। ये डी ड्राइव है, यहाँ पर जो हमने ISO कॉपी करी थी, और ये जो PC हेल्थ चेकअप का सेटअप है ये भी SSD यहाँ पर है। तो इसका मतलब बिना डेटा गवाए हमने हमारे सिस्टम को विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर अपडेट कर लिया है। अब एक लास्ट चीज, विंडोज का एक्टिवेशन। तो सिस्टम के अंदर हमें सेटिंग्स के अंदर आना होगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा टैब एक्टिवेशन का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
और यहाँ पर जो स्टेटस है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, विंडोज इज एक्टिवेटेड विथ ए डिजिटल लाइसेंस, यानी कि जो आपकी विंडोज 11 है वो बिल्कुल लीगल है, जेन्युइन है और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हमने विंडोज 10 को विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड कर लिया है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को जेन्युइन तरीके से विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। यहां पर हमने किसी तरह का जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल जेन्युइन और लेजिट तरीके से विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पुराने हैं तो बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, गुड बाय।